यस बेटे, लास्ट टाइम वी हैव डन थ्री टाइप्स, विच वन? सिचुएशन वेकेंट, वांटेड, सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वांटेड एंड फॉर सेल। आपकी टू टाइप्स और रहती हैं, वो हैं फॉर परचेज एंड टू लेट। फॉर परचेज सेल वाले का बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपको 70% क्वेश्चन में से ही लिखना है, थोड़ा सा बस तरीका आना चाहिए। एक एग्जांपल देखो, यू आर करण कुमार एंड करुणा बजाज, नेम दे रखे हैं, तो यू आर नॉट अलाउड टू राइट योर नेम, अपना नाम लिखना आपको अलाउड नहीं है यहाँ पे। अ लीडिंग लॉयर प्रैक्टिसिंग इन सूरत, यू वॉन्ट टू बाय एन इंडिपेंडेंट हाउस एट सिटी लाइट रोड टू बी यूज एन ऑफिस कम रेजिडेंस। यानी कि आपको परचेज करना है, क्या परचेज करना है, एक सेपरेट रूम, मीन्स जहाँ पर किसी का इंटरफेयर ना हो, खुद ही बता दिया उसने, एड्रेस भी दे दिया है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर द क्लासिफाइड कॉलम फॉर द लोकल न्यूज़पेपर, यू कैन बी कॉन्टेक्टेड ऑन दिस नंबर। नंबर दे रखा है तो आपको एक्स एक्स डालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वो ही क्या बनाएंगे बोलो, फॉर्मेट में बॉक्स, आफ्टर देन हेडिंग इन कैपिटल लेटर फॉर परचेज। मेन माइंड में रख लेना, पांच ही तरह के हेडिंग आएंगे और ये कौन से वाला है, फॉर परचेज। रिक्वायर्ड एंड रिक्वायर्ड मैंने, यानी कि जरूरत है किसकी, एन इंडिपेंडेंट हाउस, कहीं क्या है, खुद का लेते हैं कि किसी का कोई इंटरफेयर ना हो, रेंट की परवाह नहीं करते। एट सिटी लाइट रोड, जो एड्रेस उसने क्वेश्चन में दे रखा है वही आप सेम लिखोगे। फीचर्स भी लिख दोगे, क्या चाहिए, 3-4 BHK फॉर ऑफिस कम रेजिडेंस। यहाँ पर रेजिडेंस यानी कि रहने का भी हो सके और ऑफिस भी। एंड एम्पल पार्किंग स्पेस, एम्पल क्या होता है, खुला, काफ़ी खुला पार्किंग स्पेस हो। 24x7 वाटर, देखो आप जब बेचते हो तो तब भी ये बताते हो कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, अब परचेज करना है तो सेम फैसिलिटी मांगोगे भी ना। तो प्रेफरेबली साउथ वेस्ट फेसिंग ऑन द मेन रोड, आपने प्रेफरेंस भी बता दिया, ज़रूरी नहीं है ये लाइन डाल लो, आप शॉर्ट भी बना सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, इस तरह से आपका ये किस चीज़ के लिए हो गया, फॉर परचेज। बिल्कुल अपोजिट है फॉर सेल का, दो तो अपोजिट हैं, फॉर वांटेड सिचुएशन वाला और सिचुएशन वेकेंट वाला, ऐसे ही फॉर सेल और फॉर परचेज। ठीक है बेटे।